जख्म हिल नहीं होता है। मेरे पास एक केस था जिसके डायबिटीज के कारण एडी में जख्म हो गया था। संक्रांति के टाइम तिल गुड़ खाते ना लड्डू, कितना बड़ा होता है, इतना होता है, उतना बड़ा छेद था कि उसमें लड्डू रख दो, वो इससे हिल हुआ, बोन हिलिंग। जख्म जब हिल नहीं होता डायबिटीज में तब ये काम आता है, यह हेल्प करता है। कार्डियोटॉक्सिसिटी यानी कि हार्ट को ये हमेशा ठीक रखेगा क्योंकि कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होने देगा, सर्कुलेशन को क्लियर रखेगा। कैटरेक फॉर्मेशन, कैटरेक होने से बचाएगा। रोज इंसान सुबह सिर्फ एक गोली दो ग्लास पानी के साथ उठते ही ले तो दुनिया भर की चीजों से इंसान बच सकता है। सुबह उठते ही एक गोली मुंह में डालो, दो ग्लास पानी पी लो। ओके, गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालता है। यहाँ टंडेल साहब बैठे जिनका गॉल ब्लैडर स्टोन के बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट है, जबकि गॉल ब्लैडर स्टोन में गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं जो लीवर के अंदर एक हिस्सा होता है गॉल ब्लैडर। दुनिया में कोई इलाज नहीं है, कोई भी डॉक्टर को पूछिए, लेकिन कई मरीज ठीक हुए हैं इससे, बहुत बड़ी बात है। ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है यानी कि सभी फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी को कभी खराब नहीं होने देगा, किडनी फंक्शन को मेंटेन रखेगा हमेशा। और डायबिटीज वाले को ये बहुत हेल्प करता है डायबिटीज को कम करने में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। एचआईवी में हेल्प करता है। लंग्स फाइब्रोसिस, आर्थराइटिस, एंटी इंफ्लेमेटरी, केमोथेरापी प्रिवेंशन, केमो रिप्लेसमेंट और अल्जाइमर। अल्जाइमर बहुत कॉमन होता है, एक उम्र के बाद इंसान भूलने लगता है। एक 80 साल के दादाजी अपनी वाइफ को डार्लिंग ऐसे प्यार भरे कई लफ्जों से बुलाते थे। तो एक यंग मैन 22 साल का लड़का गया, दादाजी ये बात बताइए आप डार्लिंग ये सब इतना बोलते इस उम्र में भी आप इतने रोमांटिक कैसे हो? बोले बेटा ऐसा है कि इसका असली नाम मैं भूल चुका हूं 22 साल पहले। उसको अल्जाइमर कहते हैं। बोले 22 साल पहले भूल चुका हूं, याद ही नहीं आता, इसलिए ये कॉमन है। चलिए तो ये मल्टीपर्पज यूज वाली चीज है। आज की तारीख में कंपनी के पास ऐसे यूनिक नेचुरल मॉलिक्यूल जो मिराकल रिजल्ट देते हैं कितने पता है, 200। ये पुराना रिकॉर्ड है, अब 200 हो गया। अब आपको बता दूं कंपनी कितनी बड़ी है, बताए हिंदुस्तान के अंदर एनएबीएल अथॉरिटी सामी लैब के पास है। एनएबीएल का मतलब बता दूं, अगर क्रिमिनल केस होगा तो लाल पेट लैब एनएबीएल है। कोई भी एक फील्ड में एक ही को एनएबीएल अथॉरिटी मिलती है, उसको मिलती है जिसके पास रिसर्च के हाईएस्ट पैरामीटर हो। तो लैब में हाईएस्ट पैरामीटर लाल पेट लैब के पास है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल में पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट पैरामीटर है तो सामी के पास है। अगर इम्यूनोग्लोबिन चेक करना है पूरे हिंदुस्तान में, इम्यूनोग्लोबिन कितना परसेंट चेक करना है तो पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र जगह है सामी लैब। पिछले कई सालों से एनएबीएल मेंटेन है सामी के पास। अगर हिंदुस्तान से किसी भी कंपनी को हर्ब एक्सपोर्ट करना होगा, चरक हो, चंडू हो, सांडू हो, कोई भी हो, चंडू को यही आना पड़ेगा, यानी कि अथॉरिटीज के पास है। अब बात करेंगे हम प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। इंसान के दिमाग की एक फितरत होती है, फितरत यानी नेचर। क्या नेचर होता है, कितना भी सिखाओ वो सीखता ही नहीं, इसलिए बार बार जीवन में ठोकर खाता है कि नहीं, ठोकर खाता है। बोलते ना इतना सीखा भी आप क्यों ठोकर खाया, क्योंकि वही गलती हम दोहराते, वही गलती हम दोहराते। क्यों दोहराते, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है, बीमार गिरेंगे तो डॉक्टर के पास जाना। ये सुनो, क्या किसी ने ये कभी बताया बीमार नहीं गिरना है तो कहां जाना है? किसी ने नहीं बताया। लेकिन इसलिए नहीं बताया कि जब हम लोग पैदा हुए तब ये साइंस था ही नहीं। ये साइंस ही अभी आया है, पूरी दुनिया को पता ही नहीं है।
यहां तक कि डॉक्टरों को भी मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो ठीक है, जिसको नहीं है अच्छी बात है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर हम आपको बता रहे उसके बाद भी आप गलती करोगे तो जिम्मेदार आप ही लोग हो, है कि नहीं। तो हम आज अगर 90% में है तो हम कभी नहीं चाहेंगे हमारी गिनती 10% वाले मरीज में हो। डायबिटीज होगा तो हम 90% में नहीं रहोगे, हाई बीपी हुआ तो 90% में नहीं रहोगे, घुटना गया तो 90% में नहीं रहोगे, कैंसर हुआ तो 90% में नहीं रहोगे, 10% में चले जाओगे। पॉसिबिलिटी है 10 में से 1% में चले जाओ हॉस्पिटलाइज वाले, ये भी हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि लगातार हम अपने आप को 90% में मेंटेन करके रखें, तो हमें मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेकर जीवन में प्रैक्टिकली उतारना पड़ेगा, यानी इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो